हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के इस एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिगो ACS, ये जो हमारी वाली है, इसमें एक ये कॉमन प्रॉब्लम हम लोग काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, और वो है इसकी जो विंडशील्ड है उसके रेशे। अब बेसिकली इतने आसानी से तो शायद ना दिखे, लेकिन आप इसमें देखिए बहुत बारीकी से अगर आप देखें तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ना जाने क्यों, हम रेवा भी चलाते हैं और बहुत और भी दूसरी गाड़ियाँ चलाई हैं, पर इसके जो विंडशील्ड है उसमें इतने ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, बहुत ज़्यादा। रात में जब भी अगर आप चलाने की सोचें इस गाड़ी को, तो आपको एक बार फिर से सोचना होता है कि क्योंकि इसमें चकाचौंध बहुत है और ऊपर वाले ने हमको चश्मा वैसे ही ऑलरेडी लगा रखा है, तो कुछ स्क्रैचेस उसमें और प्लस इसमें, तो माहौल बिल्कुल अंधाधुन हो जाता है, दिखता ही नहीं है कुछ। तो इस कारण से भी हम इस ये जो गाड़ी है आज इसकी विंडशील्ड को रिप्लेस करवाने वाले हैं। पहले बफिंग का ट्राई कोशिश की थी, पर जो रिप्लेस करने वाले हैं उन्होंने ये सलाह दी कि आप इसमें बफिंग कराएंगे उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। अच्छा ये है कि आप चेंज करवा लीजिए, सेम ASI या सेन कोविन का हम लोग जो विंडशील्ड है वो चेंज करवा रहे हैं। कीमत और बाकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगी। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं सूरज जी का जो आने वाले हैं कुछ देर में, और उसके बाद में प्रोसेस शुरू करेंगे इस गाड़ी को चेंज करने की। अगर हुआ तो हम गाड़ी को लगा लेंगे अपने गेट के अंदर, अदरवाइज बाहर ही सही है। तो गाइस ये है हमारा ग्लास और ये आ गए हैं सूरज भाई अपने। तो सबसे पहले अंदर आके क्या खोलना होता है? तो गाइस ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एंटीना भी सूरज भाई निकाल देंगे, फास्टैग भी आसानी से निकाल देंगे, और तो इससे थोड़ा जो और नुकसान है वो होने से बच जाएगा। इस कांच को टायर के ऊपर रखा हुआ है। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये पहले शुरुआत में हमको रबर निकालनी होती है। रबर बहुत हार्ड लगी हुई है, आराम से कीजिए। कॉल अपनी वीडियो मैंने बहुत लोगों को। तो गाइस यहाँ से रबर निकलना शुरू हुई, किसी भी एक कोने से निकलना शुरू हो जाए तो सही रहता है। हाँ तो भाई सूरज भाई को आपने हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा, जब एक ऑल्टो की वीडियो हमने कंप्लीट की थी, वो भी बेसिकली हमारी ही ऑल्टो थी, और अब ये सेकंड टाइम हमें मौका मिल रहा है। तो गाइस ये है इनका मेन हथियार, क्लच वायर होता है ना जी, ब्रेक वायर, क्लच वायर, ब्रेक वायर, जो भी आप समझें। इससे अभी कटना शुरू होगा, आप देखिए यहाँ धुआं भी निकलेगा। ये देखिए इससे रबर कट रही है। तो इस कांच जो विंडशील्ड है उसको निकालने के बाद में अब जो दूसरा बड़ा काम रहता है वो ये रहता है कि अब इसकी ये जो रबर यहाँ लगी हुई है उसकी पूरी सफाई होगी, और उस सफाई में बहुत गंदगी होती है, कचरा निकलता, तो हो सके तो अपनी गाड़ी में इस तरीके का कोई बैनर या साड़ी वगैरह रखवा दीजिएगा तो उससे आसानी रहेगी। बाकी सारी चीज़ें अब ये इस तरीके से एक टूल से ये जो है रबर इसकी निकाली जाती है। तो भाई ये जो नई वाली जो विंडशील्ड है उसमें इस तरीके से जो रबर पहले हमने निकाली थी उस रबर को लगा देना है, और फेविक्विक से भैया चिपका रहे हैं तो फेविक्विक से चिपका सकते हैं ताकि निकले ना आसानी से।
और इसके ऊपर से फिर वो जो गन होती है जिससे कि वो रबर, ब्लैक वाली रबर प्लास्टिक निकलती है, उसका यूज़ करेंगे हम। और इस तरफ ये वाला चिपक रही है और उस तरफ वहाँ पे विंडशील्ड की जो माउंटिंग है वो साफ हो रही है, रबर निकल रही है उसकी। दोनों काम साइमल्टेनियसली मोटे तौर पे इस काम में लगभग 1 से 1.5 घंटा आप अपने को लग जाता है। और कीमत हम बताएंगे इस वीडियो के आखिरी में आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा सूरज की रोशनी की वजह से प्रॉपर शेड नहीं बन पा रहा है, कहीं धूप कहीं छांव है। तो गाइस ये हमारी जो सफाई है, ये जो जहाँ पे ग्लास रखने वाले हैं उसकी भी सफाई हो चुकी है। और ये जो नोज़ल है, जो ट्यूब है उसका नोज़ल को एक अलग टाइप का कट लगाना होता है, कट अभी लगा रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसमें सफाई का आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सफाई है इसमें पहले की जो रबर है वो निकल जाए, क्योंकि पुरानी रबर में नई रबर का थोड़ा सा चिपकना मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया से हुई है। नोज़ल काटने के बाद में कुछ इस तरीके का एक वी कट बनाना होता है हमको, जिससे कि आसानी से, ये देखिए अब ये वी कट आपका जो विंडशील्ड है उसके ऊपर इसी तरीके से हमें लगाना है। ये होगा कि जो इसका छत का जो नाली थी ना, हाँ, वो इसकी ना पैक हो गई है, पैक हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अभी अपन सीलेंट लगाएंगे ना, हाँ, तो ये इसमें से पानी नहीं आएगा। ठीक, ये अपना मतलब छेद बंद होगा, इसका होल बंद होगा। ठीक है सूरज भाई, ये जानकारी देने के लिए। हाँ ये दिख रहा है जॉइंट है, वैसे इसका सूखने का टाइम कितना रहता है इस रबर का? इसका ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में सूख जाता है। सूख जाती है, हाँ ठीक है। नीचे से लगाना ही शुरू करना चाहिए वैसे, है ना, हमेशा जी, जी। यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं से लगाना शुरू कर रहे हैं हम और यहीं पे शुरू यहीं ख़त्म करेंगे। तो गाइस ये जो सीलेंट है जब लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में कहीं टूटनी नहीं चाहिए, और अगर टूट जाती है तो उसको डबल कवर करके आपको उसको निकालना है। और यही एक की पॉइंट होता है जिस, हाँ, अब जैसे यहाँ पर हम जो जोड़ेंगे वो कुछ इस तरीके से जॉइंट होना चाहिए। ये देखिए ये दोनों आपस में आके मिले हुए हैं, तभी जो वाटर लीकेज है वो पूरी तरीके से प्रिवेंट हो सकता है। अब इसके बाद में ग्लास रखना दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या करना है? तो प्रिकॉशनरी यहाँ से एक बार भी इसको भी साफ़ कर लेना है, ताकि कोई डस्ट अगर रह जाती है तो वो ख़त्म हो जाए। बहुत बढ़िया, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला के समझ सकता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से भी रहे हैं, रखा हुआ है, एजेस वगैरह प्रॉपर मिली हुई है अभी फ़िलहाल इसमें। यहाँ पर भी एजेस मिल गए हैं और इस कॉर्नर पे भी प्रॉपर एज मिल गया है। बस इन्हीं सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो सुरेश भैया इसमें टेप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? जी टेप लगाएंगे, पटेगी, लगेगी। नहीं मुझे लगा कि इतनी ग्रिपिंग है तो शायद टेप ना लगे। नहीं चलाएंगे नहीं, सवाल ही नहीं उठता, अभी कहीं नहीं जाएगी गाड़ी, फिर भी अपन टेप लगा, आप लगा दो। हाँ प्रिकॉशन ही है, लगा दीजिए। तो भाई ये जो विंडशील्ड है उसको निकालने के बाद में जो एक दूसरा काम रह जाता है कि आपका अगर फास्ट टैग लगा हुआ है तो कई बार ये चीज़ वेस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सूरज भैया जो है थोड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आसानी से निकल आए।
और अगर ये निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा भैया गर्म होने में। तो गाइस थोड़ी सी मेहनत के बाद में हमारा जो फास्टैग है वो भी चिपक तो गया है, बाकी अभी चालू है या नहीं अपन वहीं जाके टोल पे जाके चेक कर पाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने जो टाटा इंडिगो ECS है उसकी विंडशील्ड चेंज करी। अब आपके जो आखिरी के जो सवाल हैं जिसमें कि आप कीमत जानना चाहेंगे या जो सर्विस चार्ज है, घर आने का जो सर्विस चार्ज है, उन सब के डायरेक्ट जवाब देने के लिए हमारे पास में सूरज जी हैं। सूरज सर सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से, आप पहले भी इसमें आ चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो विंडशील्ड आपने डाली है, मैंने अभी तक हमारे व्यूअर्स उनको बताया नहीं, इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत अपन को गिलास है अपना 3,000 रुपये का। गिलास के लिए अपन 450 की अपन सीलेंट लगाते हैं, अच्छा वाला सीलेंट आता है, और बाकी जो लेबर रहती है तो लेबर चार्ज अपन फ्री करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर हमारा जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपका नंबर लेके भोपाल में ही सर्विस चाहते हैं तो ये सर्विस पेड है या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी? ये आपकी गाड़ी की है, जैसे घर जाके अगर जैसे करते हैं तो जैसे अगर आप तो ठीक है सूरज भाई कि जब भी अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगी हमारे व्यूअर्स को तो आपको कॉल करेंगे। विजिटिंग चार्जेस आप डिस्काउंटेड रूप से थोड़ा देख लीजिएगा गाड़ी के हिसाब से। जी चलिए, तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको इंडिगो ECS की जो विंडशील्ड उसको चेंज करना बताया। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो बेशक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में कुछ नया काम करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद जय भारत।